और आस्था, अब वक्त हो चुका है यूपी और उत्तराखंड में चुनावी दौरे किन किन नेताओं के हैं। तो उत्तराखंड में भी अहम दौरे आज है और इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज उत्तर प्रदेश में बेहद अहम दौरे हैं, तो इंतजार कीजिए। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने जा रहे हैं कि आखिर कौन सा नेता आज कहां रहने वाला है। बिल्कुल जया, चुनावी समर है और यही वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच में ज्यादा दिखते हैं और नेताजी की व्यस्तता भी ज्यादा बढ़ जाती है। हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं कि नेता की क्या किस्मत रहने वाली। ओवर टू यू जी। आस्था, बताएं आपको कि जो आज अहम दौरे हैं उसमें सबसे पहला दौरा अमित शाह का है। अमित शाह के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। वाराणसी, आजमगढ़ और बस्ती दौरे पर अमित शाह होंगे। वाराणसी में राजभाषा सम्मेलन का वो शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे अमित शाह, और इसके बाद बस्ती में सांसद खेल कुंभ व इसका उद्घाटन करने के लिए वो पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज सीएम योगी के गढ़ में अखिलेश की चुनावी यात्रा पहुंचने वाली है। गोरखपुर और कुशीनगर में अखिलेश की विजय यात्रा होगी और गोरखपुर एयरपोर्ट से कुशीनगर तक विजय यात्रा निकालेंगे अखिलेश। आज से समाजवादी विजय यात्रा के तीसरे चरण का आगाज भी हो रहा है। कुशीनगर की सभी विधानसभाओं में जाकर जनसंपर्क भी अखिलेश यादव करेंगे। वोट बैंक अपना मजबूत करेंगे। पूर्वांचल में पार्टी का जनाधार मजबूत करने पर अखिलेश का फोकस दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम आज बात करें तो मेरठ में भी बेहद अहम कार्यक्रम है। मेरठ में AIMIM अध्यक्ष ओवैसी जनसभा करने वाले हैं। मेरठ के नौचंदी मैदान में जनसभा को ओवैसी संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है, जब नौचंदी ग्राउंड पहुंचेंगे ओवैसी। शोषित वंचित समाज को संबोधित करने वाले हैं ओवैसी। 15 दिन में ओवैसी की मेरठ में ये दूसरी सभा है और जाहिर तौर पर आज भी वो बीजेपी पर हमलावर रहेंगे। इसके अलावा देखना होगा कि किन बातों पर उनका फोकस रहता है। अगला दौरा अगर मैं आपको बताऊं तो बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड से चुनावी शंखनाद करेगा अपना दल एस। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी का चुनावी शंखनाद आज होने जा रहा है। बांदा से शंखनाद करेगी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और बांदा और महोबा से चुनावी अभियान की वो शुरुआत करेंगी। संकल्प विजय यात्रा लेकर बांदा पहुंचेंगी अनुप्रिया पटेल, तो इस खबर पर भी दिन भर हमारी नजर होगी। और इसके बाद अगर उत्तराखंड की हम बात करें आस्था, तो यहां पर सीएम धामी का 3 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा है। सीएम धामी के पिथौरागढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 9 बजे वन विश्राम गृह पिथौरागढ़ से कार के जरिए प्रस्थान करेंगे और 10:30 बजे ग्राम खड़खोला विकास खंड DD Hart वो पहुंच जाएंगे और यहाँ पर पारिवारिक कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। तो आज दिन भर ये तमाम जो दौरे चलेंगे इस पर हमारी नजर होगी आस्था।